हेलो एवरीवन आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एम पी जीरो जीरो टू ब्लॉक फोर यूनिट फोर ये ब्लॉक फोर का लास्ट यूनिट है जिसमें हम चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एजिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एजिंग प्रोसेस एजिंग प्रोसेस इन वुमेन एंड एजिंग प्रोसेस इन मैन सो so, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस सो लेट्स बे इन द टॉपिक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 2014 दिसंबर 2014 में टेन मार्क्स का क्वेश्चन आया था राइट एंड एस ऑन एजिंग प्रोसेस विद स्पेशल डिफरेंस टू जेंडर डिफरेंसेस ठीक है जेंडर डिफरेंसेस मीन्स कि एजिंग प्रोसेस इन वुमेन किस तरीके से होता है एंड एजिंग प्रोसेस इन मैन किस तरीके से होता है दोनों के स्पेशल रेफरेंस को यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा ठीक है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एजिंग प्रोसेस होता क्या है ओके ओके ह्यूमन एजिंग प्रोसेस एक ऐसा डायमेंशनल चेंज है जिसमें फिजिकल साइकोलॉजिकल कल्चरल और सोशल लेवल्स पे चेंजेस होते हैं ठीक है ये जो चेंजेस हैं ये किसी स्टेज से नहीं ये ओवर जब बच्चे का या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन का बर्थ होता है तभी से उसका एज स्टार्ट हो जाता है ठीक है और ये कंटिन्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ चलता रहता है और ये जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये डिफाइन करता है सोशल मेंटल एंड बायोलॉजिकल स्टेज इन आवर लाइफ सो so बेसिकली जब ये एज हमारा प्रोसेस होता है तो एजिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है मिडल एज जो कि 45 इयर्स ईयर्स के अराउंड में होता है तो इस एज में हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है सो so ये एजिंग प्रोसेस जो होता है डिपेंड्स करता है जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ठीक है और ये एजिंग प्रोसेस पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी होता है सो एजिंग प्रोसेस को और बेटर तरीके से समझने के लिए हम सेलुलर चेंजेस जो बॉडी में होते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं थ्रू द एजिंग प्रोसेस उसको समझते हैं पहले तो आप ये देख सकते हो कि ये नॉर्मल सेल्स हैं ठीक है जब एजिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है ऑन दैट टाइम कि इस तरीके के हमारे सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं फिर जब एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो सेनिसेंस सेल्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं मतलब कि कुछ तरीके से हमारे जो सेल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा डैमेज होना शुरू कर देते हैं उनका जो आ, ये एजिंग कॉज जो होता है सम अम, अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द रेट ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड वहीं पर इनके जो फंक्शंस होते हैं वो इन अप्रोप्रिएटली वर्क करते हैं ठीक है जिससे कि हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होती है और वो लीड करता है हमारे वेरियस इम्यूनिटी सिस्टम जो कि रिलेटेड होता है डिसऑर्डर से ठीक है इसके बेस पर एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहीं पर हेरिडिटी डाइट एक्सरसाइज सोशल इन्वॉलमेंट एंड स्परिचुअलिटी ये सब भी बहुत बड़ा लार्ज पार्ट होते हैं आपके फिजिकल वेलबींग well में ईटिंग राइट एंड एक्सरसाइज विल कीप वंस बॉडी हेल्दियर और ये आपके एजिंग प्रोसेस को एटलीस्ट स्लो कर देता है ठीक है ओके okay. सो so, ये पिक्चर या डायग्राम आप अपने एग्जाम में भी मेंशन कर सकते हो कि जो सेलूरस एन होते हैं मीन्स के जो हमारे ह्यूमन सेल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर न करने की वजह से मीन्स के थोड़े बहुत ट्रिगर होने की वजह से डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस क्या होता है स्टार्ट हो जाता है ओके okay. तो एजिंग प्रोसेस जैसे जेंडर की बात हमने की थी क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम एजिंग प्रोसेस इन वुमेन किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं एजिंग जो वुमेन्स होती हैं वो अपने लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती हैं ठीक है थीके? उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है वैसे सब के लिए मैटर करता है बट फीमेल्स के लिए वो पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है तो जो एजिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस ऑन द फिज़िकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फ्रंट ऑफ अ वुमेंस लाइफ तो सबसे पहले हम फिजिकल चैलेंजेस की बात करेंगे एजिंग प्रोसेस में जैसे ही फिजिकल चैलेंजेस की बात आती है इन वुमेंस स्पेशली तो वहाँ पे मेनोपॉज उसका रीज़न हो सकता है ठीक है क्योंकि मेनोपॉज़ क्या होता है लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन ठीक है जिसकी वजह से फिजिकल चैलेंजेस आते हैं और ये मेनोपॉज़ क्यों होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस तो ये जो वुमेंस लाइफ होती है डिवाइडेड इंटू टू इज़ एक तो होती है प्री मेनोपॉज और सेकंड होती है पोस्ट मेनोपॉज और जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं ये कारण होते हैं कॉज होते हैं मैनी एजिंग प्रॉब्लम्स के जिसमें कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी जो बोन्स स्पेशली जो बोन्स की मास एंड मसल्स स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे लूजिंग मतलब खोने लगती हैं ठीक है थीके? वीक होने लगती है उसकी वजह से उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है आर्थराइटिस हो जाता है ठीक है बोन्स हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगती है और आर्थराइटिस के साथ साथ ऑस्टियोप्रोसिस्टिक जो प्रॉब्लम होती है वो भी हो जाती है आप देख सकते हो हेल्दी बोन्स और ये जो ऑस्ट्रियोप्रोसिस बोन uh, है इसमें कितना डिफरेंस है ये हमारा जो बैक होता है शोल्डर के पास से तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मुड़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो आप ये देख सकते हो हिप के फ्रैक्चर की वजह से ऑस्टिओप्रोसिस मीन्स कि ये दोनों जो डिजीज़ uh, हैं ये दोनों बोन्स uh, से रिलेटेड हैं एक फिजिकल चैलेंज होता है वुमेंस के लिए इसी के साथ साथ जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम होता है वो भी uh, एंटीबॉडीज़ को बनाना या को प्रोड्यूस करना कम कर देता है जिसकी वजह से वेरियस टाइप की इलनेस भी प्रोड्यूस होती हैं ठीक है थीके? और इसमें उनकी जो स्किन बिकम uh, बहुत ज़्यादा सॉलिन हो जाती है प्रिंकल्स हो जाते हैं ठीक है थीके? ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती है फिजिकल चैलेंजेस में ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ़िज़िकल चैलेंजेस अब नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल चैलेंजेस बेसिकली जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं वो रीज़न होते, है, है? होते हैं फिजिकल चैलेंजेस की वजह से ठीक है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज वो वुमेन्स में क्या होते हैं बिहेवियरल चेंजेस भी लाते हैं ज, जिससे कि जो वुमेन्स होती हैं उन्हें ये पता होता है कि जो फर्टिलाई फर्टाइल जो उनकी फिजिकल चैलेंजेस uh, से ही साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्यों रिलेटिबल है क्योंकि फिजिकल चैलेंजेस की वजह से जैसे मैंने रिंकल्स की बात की ठीक है जो अपीयरेंस uh, होता है वो uh, फीमेल्स का वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है रिंकल्स हो जाते हैं ठीक है ठीके? और हेयर्स uh, ग्रे हो जाते हैं जिसकी वजह से इमोशनल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हंट करती है और फीमेल जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ भी चली जाती हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ नो लॉन्गर फिज़िकल अट्रैक्टिव ठीक है because, uh, no और उसकी वजह से बहुत सारी वुमेंस होती हैं वो एक्सट्रीमली मूडी और इरीटेटेड हो जाती हैं ठीक है ठीके? लास्टली में डिप्रेशन या फिर इरिटेटेड मूडी होने की वजह से उन्हें ये फील होने लगता है कि सम रिलेट्स विद द एंड ठीक है कि हमारे जो लाइफ का एंड स्टार्ट हो गया है बट वहीं पर सम ऑप्टिमिस्टिक वूमेंस जो होती हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी को लेकर चलती हैं और वो अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम को उस ड्यूरेशन में कंप्लीट करती हैं लीड अ लाइफ द वे दे ऑलवेज वॉन्टिड टू ठीक है तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं कि अपने जो फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है अट्रैक्टिवनेस होती है उसको एक्सेप्ट ना करने कर पाने की वजह से डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी जैसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ठीक है अब आते हैं सोशल चैलेंजेस पे सोशल okay. चैलेंजेस जो होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं पर्सन टू पर्सन के एटीट्यूड पे ठीक है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दियर हेल्थ ठीक है किस तरीके से वो अपनी हेल्थ को अपनी लाइफ को स्पेंड uh, करना चाहती हैं ठीक है सम वुमेन्स ड्यू टू दियर पुअर हेल्थ और सम अदर रीज़न वो कम्प्लीटली अपने सराउंडिंग uh, uh, से अपने वर्ल्ड से क्या होती हैं एकदम शर्ट हो जाती है मीन्स कि बंद आ, बाहर आना जाना अपने ग्रुप के साथ एंगेज होना वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती हैं वहीं पे कुछ वुमेंस होती हैं वो आउट गोइंग ग्रुप्स में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं इंगेज करती हैं अपने कम्युनिटी एक्टिविटीज से सम हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट ठीक है मोस्ट वुमेंस इन द एज ग्रुप आर फाइनेंशियली सेटल्ड एंड हैव अ फैमिली दैट इज़ नो लॉन्गर डिपेंडेंट अपॉन दैम ठीक है सो so, उनके लिए ये पीरियड पोज जो होता है वो एक गोल्डन चांस चांस होता है फॉर देम टू लिव द लाइफ फॉर देम ठीक है तो इसीलिए स्टार्टिंग में यही मैंने बता दिया कि ये जो सोशल लाइफ होती है ऑन दिस स्टेज वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन ठीक है ओके okay. अब आते हैं हम एजिंग प्रोसेस इन मैन एजिंग प्रोसेस जो मैन में होता है वो हमेशा रिलेटेड होता है विद द डिक्रीज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फंक्शन जो कि एजिंग प्रोसेस मैन में ब्रिंग्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अनबर्न फैट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज ठीक है बट यहाँ पर जो एजिंग प्रोसेस मैन हो या वुमेन हो सब एक जैसा नहीं होता है सबका अलग अलग होता है तो ये भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं होल हेल्थ जब मैन में एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ऑन दैट टाइम स्टार्ट करना चाहिए अ होल फूड्स डाइट हाई इन फाइवर ठीक है लो इन सेचूरेटेड फैट रिच इन न्यूट्रिशंस इज द बेस्ट हेल्थ प्रमोटिंग अप्रोचेज फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट न्यूट्रिशन एंड फाइबर ये जो कैंसर फैक्टर्स होते हैं रिस्क फैक्टर होते हैं वो उनको रिड्यूज़ कर देता है ठीक है हेल्प रिड्यूज़ द रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर एंड वहीं पे जो एक्सरसाइज की कंसिस्टेंसी होती है वो प्रमोट करती है कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ मीन्स की जो हार्ट डिजीज होती है एज वेल एज़ रिड्यूज द फैक्टर ऑफ अबेस्टी मीन्स की बहुत ज़्यादा मोटापा का होना डायबिटीज़ एंड ऑस्टे ऑस्टियोप्रोसिस जो कि बोन uh, से रिलेटेड प्रॉब्लम्स uh, होती हैं डिजीज़ होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है ठीक है सो ओवरऑल बात की जाए हेल्थ प्लान की तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो डाइट एंड एक्सरसाइज की फाउंडेशन की वजह से रिड्यूस किया जा सकता है ठीक है तो ये हो गई होल वेल्थ हेल्थ की बात एजिंग प्रोसेस में अब नेक्स्ट आते हैं मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है फॉर मैनी मैन जिसमें एल्जाइमर डिजीज एंड डिमेंटिया जो कि आप यहाँ पे पिक्चर्स देखो अल्जाइमर जो होता है जिसमें कि सिक्सटी टू एटी परसेंट ब्रेन जो है वो डैमेज होता है जिसकी वजह से डिमेंटिया केसेस होते हैं डिमेंटिया एक तरीके का एक सिम्टम्स है अल्जाइमर uh, का जिसमें कि डिक्लाइन इन मेमोरी रीजनिंग ऑफ और अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज ओके तो ये चीज़ें होती हैं इसमें ओके okay. नेक्स्ट इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड फंक्शन ग्रोइंग एज के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाता है तो इसमें कुछ ना हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ करके उसको रिड्यूस किया जा सकता है ठीक है मेंटल हेल्थ एंड फंक्शंस को हेल्दी बनाया जा सकता है आप स्क्रीन पर एक पिक्चर्स देख सकते हो ये फ्रूट्स और इसकी लीव्स ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं फॉर मेमरी ये जो फ्रूट्स और फ्रूट्स है इसको जिंकगो बिलोबा कहा जाता है ये जिंकगो बिलोबा आपको चाइना में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है मीन्स कि मेन वहीं पे पाया जाता है और ये एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो आपकी मेंटल हेल्थ और उसके फंक्शंस को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है ठीक है अब नेक्स्ट एक न्यूट्रिशन की बात करें कि क्या आप हेल्प करता है तो वो है फोस्फेटीडायल सीरी ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉम मेमोरी ओके ठीक है तो नेक्स्ट आते हैं डोकोसी एसिड जो कि मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है ये एक कंपोनेंट होता है फिश ऑयल का इसको आपने सुना होगा ओमेगा थ्री ये एक कुछ उसी का फॉर्म है ये जो इस मेडिसिन होती हैं ये फिश ऑयल से बनती हैं तो ये जो आ, मैंने हर्बल एक्सट्रैक्ट बनाए हैं इसकी हेल्प से हम लोग मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं ठीक है ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस इन मैन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है जो कि अल्जाइमर डिजीज एंड डिमेंटिया जैसी डिजीज़ को रिड्यूस करता है ओके okay, ये हो गई मेंटल हेल्थ की बात अब आते हैं हार्ट हेल्थ पे हार्ट हेल्थ जो होता है वो ऑब्वियस कंसर्न होता है द एज इज़ हार्ट हेल्थ एंड डिसीज़ कार्डियो डिजीज के बारे में मैंने अभी बताया कि जब पर्सन की डाइट और लाइफ स्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर वो वेल well होती है वेल well बींग होती है फिजिकल वेल बींग होती है तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं रिस्क फैक्टर जो होता है वो रिड्यूज़ होता है बट वहीं पर अगर डाइट भी अच्छा नहीं है एक्सरसाइज भी नहीं होती है बहुत ज़्यादा ऑप्सिटी है डायबिटीज़ है तो ये सारा कॉज बनता है हार्ट अटैक का ठीक है जिसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज के नाम से जाना जाता है ठीक है तो अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड फ्रूड फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए थोड़ी बहुत डेली एक्सरसाइज करना चाहिए ठीक है कुछ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं जो जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं इन इवन द वर्स्ट हार्ट डिसीजेज में भी ओके ठीक है अब आते हैं प्रोस्टेट हेल्थ ये जो प्रोस्टेट हेल्थ होती है ये ड्यूरिंग कंसिडर uh, uh, होती है फॉर मैन वंस दे रीच द एज ऑफ फोर्टी ओवर द एज ऑफ फोर्टी इट इज एस्टिमेटेड दैट सिक्सटी परसेंट ऑफ मैन विल हैव एन ए लार्ज प्रो स्टेट ऑल्सो नोन बी पी एच ठीक है बी पी एच के नाम से भी जाना जाता है बी पी एच इसका फुल फॉर्म होता है बेनिन प्रोसेस्टिक हाइपर प्लेसिया आई होप मैंने अच्छे से ठीक से प्रोनाशिएशन किया हो ठीक है तो ये ड्यूरिंग कब होती है अराउंड फोर्टी इयर्स में वही मिडल एज के अराउंड ये स्टार्ट हो जाता है ठीक है और ये जो आप देख सकते हो प्रोस्टेट का जो यहाँ पे डायग्राम है यहाँ पर है ठीक है तो प्रोस्टेट हेल्थ रिस्क जो होता है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुछ हर्ब्स की हेल्थ से जैसे कि ये है एक हर्ब्स ही है जो कि पामेटो के नाम से जाना जाता है इसको लेने की वजह से जो आ, रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है इवन कॉम्प्लिकेटेड जो सीरियस कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं नेक्स्ट आते हैं नेटल ये नेटल एक पौधा है कुछ इस तरीके का दिखता है इसको भी लेने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है अब नेक्स्ट आते हैं ये है पाइज़म इसको हम जो ये ऊपर वाला नेटल और पाइज़म मैंने दिखाया है इसको आप एक काढ़ा की तरह बना के पी सकते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये पाइज़म जो होता है ये एक अफ्रीकन हर्ब्स है ठीक है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है ठीक है तो ये जो कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ये नेचुरल थेरेपीज जो होती हैं लाइक पॉलिन एक्सट्रैक्ट्स एंड हमने देखा पामेटो ये दोनों रिड्यूस कर सकती हैं इफ़ेक्ट ऑफ जो प्रोस्टेट सेल्स होता है उसका जो डाउन होता है प्रोडक्ट्स का उसको भी उसके इफेक्ट को भी क्या देती uh, कर देती है रिड्यूस कर देती है ठीक है ये सारी जो हब्स होती हैं ओके okay. अब आते हैं नेक्स्ट स्केलेटन हेल्थ पे स्केलेटन हेल्थ से ही आपको समझ में आ गया हो कि जो जॉइंट एंड बोन्स के इश्यूज होते हैं वो इश्यूज आते हैं स्केलेटन हेल्थ में और ये इस एज में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है ठीक है स्पेशली उन मेंस uh, के होती है जो कि स्पोर्ट्स पास्ट में स्पोर्ट्स मैन रहे हों ठीक है इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से ये uh, जो स्केलेटन हेल्थ है वो लीड करती है जिसमें ऑस्टिऑर्थराइसड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रो आ, होता है ये कॉमन प्रॉब्लम होती है मेल में सो so आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेल्दी जॉइंट किस तरीके का है एंड ऑस्टीआरथराइट्स जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बोन्स में वो किस तरीके का है तो ये मेल और फीमेल में आपको पता ही है कि फीमेल में जो हार्मोनल चेंजेस हार्मोनल लेवल्स में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है और मेल में किस मैन uh, जो होते हैं उसमें किस तरीके से होता है ठीक है तो ये जो एजिंग प्रोसेस है ये नेचुरल होता है एजिंग हाउ एवर डज़ नॉट हैव मीन लॉस ऑफ फंक्शन और वाइटैलिटी इनफैक्ट जो हेल्थफुल ईटिंग uh, हैबिट्स होती है कॉम्बिनेशन विथ फोकस्ड न्यूट्रिशन एंड जो हमने अभी बात की वो कंबाइन करके अगर लिया जाए तो 40 प्लस ईयर में आप बेस्ट लाइफ जी सकते हैं स्पेशली मेंस लाइफ जो होती है अगर इन हब्स को यूज़ करें तो ये था uh, प्रोस एजिंग प्रोसेस इन मैन एंड इन वुमेन होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग